वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर्स तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इमरजेंसी प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं तो इमरजेंसी प्रोसीजर की प्रैक्टिस करना बहुत ही इसेंशियल होता है चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे बिजनेस ऑफिस स्कूल्स गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर कंपनीज एंड ग्रुप्स क्योंकि इमरजेंसी ड्रिल बहुत ही क्रिटिकल होती है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के सभी पर्सन की सेफ्टी एंड वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं तो चलिए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोसीजर की प्रैक्टिस करना तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं तो इमरजेंसी किसी भी मोमेंट में ऑकर हो सकती है तो इन जैसे इंसिडेंट ऑकर हो सकते हैं जैसे फायर नेचुरल डिजास्टर सिक्योरिटी थ्रेट और मेडिकल इमरजेंसीज एटसेट्रा तो ऐसे सिनेरियो में आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए टाइम बहुत कम होता है कि आप रिस्पांस प्लान बना सको या फिर नेसेसरी स्टेप सीख सको तो इसलिए हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज मेंबर्स को मालूम होता है कि रियल क्राइसिस के टाइम रिस्पॉन्स कैसे करना है और इस प्रैक्टिस की हेल्प से सभी इफेक्टिवली एंड क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं जिससे कन्फ्यूजन एंड पैनिक के पोटेंशियल को भी रिड्यूस कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट है फेमिलियर विद सेफ्टी इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कंडक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी इम्प्लॉज़ एंड अदर मेंबर फैमिलियर हो जाते हैं इमरजेंसी हैंडलिंग टूल्स और रिसोर्स से जैसे उन्हें ये मालूम होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करना है इमरजेंसी एग्जिट लोकेशन कहाँ पर है मेडिकल इमरजेंसीज़ के दौरान सी कैसे देना है और इमरजेंसी सर्विसेज को कम्युनिकेट कैसे करना है तो जब आपको ये मालूम होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं और उसको यूज़ कैसे करना है तो इमरजेंसीज के दौरान आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन इमरजेंसी प्लानिंग तो जब हम ड्रिल या सिमुलेशन कंडक्ट करते हैं तो इससे हमें इमरजेंसी प्लानिंग की पोटेंशियल वीकनेस के बारे में पता चलता है जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट का शॉर्टेज होना एडुकेट ट्रेनिंग का प्रोवाइड किया जाना या फिर इन स्केप रूट होना तो जब आप इन वीकनेस को रिवील करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल इमरजेंसी ऑकर होने से पहले अपने प्लान में रिक्वायरमेंट्स एंड नीड के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन करके इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकती है फोर्थ पॉइंट है बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोरल तो जब आप रेगुलर इमरजेंसी प्रोसीजर की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे इम्प्लॉयिज का एंड ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्प्रूव होता है तो जब लोगों को उनकी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस होता है तो वो क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं तो वो सिचुएशन ऑकर होने पर पैनिक भी नहीं होते हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है इमरजेंसीज़ के दौरान और साथ ही इससे ओवरऑल मोरल भी इम्प्रूव होता है और साथ ही इससे ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का पता चलता है अपने इम्प्लॉयिज़ एंड अदर मम्बर की सेफ्टी एंड वेलबींग के रिगार्डिंग फिफ्थ पॉइंट है प्रोमोट अ कल्चर ऑफ सेफ्टी तो रेगुलर इमरजेंसी प्रोसीजर की प्रैक्टिस कंडक्ट करने से ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर को ये क्लियर मैसेज जाता है कि सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है इससे एक सेफ्टी कल्चर क्रिएट होता है जहां पर सभी लोगों को पोटेंशियल रिस्क की अवेयरनेस हो और उन्हें अपना रोल मालूम हो कि इमरजेंसी को कैसे रोक सकते हैं और उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं और इससे सिर्फ ये ही इंश्योर नहीं होता कि क्राइसिस के दौरान क्विकली एंड इस इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बल्कि इससे प्रोएक्टिव मेजर्स भी प्रमोट होता है ताकि ऐसे इंसिडेंट को ऑकर होने से रोका जा सके सिक्स पॉइंट है कंप्लाइंस विथ रेगुलेशन तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर इमरजेंसी प्रोसीजर की रेगुलर प्रैक्टिस करना उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है और इन ड्रिल को कंडक्ट करने से ये इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है जिसकी वजह से पोटेंशियल लीगल एंड फाइनेंशियल रिपोकशन से बचा जा सकता है तो सेवेंथ पॉइंट है मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी तो जब आप इमरजेंसी को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं तो इससे आप बिजनेस ऑपरेशन के डिसरप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं तो ट्रेन और प्रिपेयर इम्प्लॉई इमरजेंसी के दौरान क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जिससे ये इंश्योर होता है कि बिजनेस मिनिमल इम्पैक्ट के साथ ऑपरेट किया जा सकता है आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर